अभी देखिए, तो ये क्वेश्चन दे रखा है किससे, आपको देख के समझ में आ गया होगा, एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से, ठीक। यहाँ पे क्योंकि 20 70 अलग अलग एंगल्स दे रखे हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। अंश अंश ये 20 है, ये 70 है, हमेशा ध्यान रखो दो एंगल्स का जिनका सम 90 आता है उसमें से एक को चेंज कर लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से एक को चेंज कर लेते हैं। राहुल 20 रुपए बहुत ही कम होते हैं, 20 को चेंज कर ले, वैसे ही एंगल है, पैसों में डाल देते हैं। प्लस पीछे से कह रहा है तर, मैंने सुन ली, शांति रखो, मैं सुन ली, वो 70 बोला तो वो 70 तो और बोले, वो पीछे से कह रहा है तर, सब सुनाई दे रहा है। चलिए बस, अब बस सर, बस आप देखिए, मैम का आप देख लो थोड़ा सा, cos स्क्वायर 70, हाँ भाई इसमें से भी 50 और 40 दोनों का ऐड करने पे 90 आ रहा है, इनमें पेयरिंग होगी पक्की बात है, तो इसमें से एक को चेंज करेंगे। मैं इसमें sec स्क्वायर 50 को तो ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं cot स्क्वायर 40 को क्या लिखूंगा, प्लस। अब आगे देखते चलिएगा, ये 2 का तो 2 रहेगा, इस पे स्क्वायर लग रहा है ना cosec स्क्वायर, इस पे इसे छेड़खानी मत करिएगा बिल्कुल भी, cosec स्क्वायर 58 रहने दीजिए। लेकिन जब आपने इसको 58 रहने दिया है तो अब कोशिश करिएगा कि ये दोनों भी किस में आ जाएं, 58 में। एक बेचारा पहले से ही 58 में चल रहा है तो उससे कुछ बोलना मत आप, है ना। लेकिन ये 1032 चल रहा है तो इसको 90-58 इसको चेंज कर लेना, लेकिन 10 का तो 10 रहेगा, 32 को 90-58 इतनी लिखनी, लिखने की जल्दी मत करो, समझ लो पहले, लिखने से अच्छा है समझ लो। 4 बेटा यहाँ पर 10-45 तो बन रहता है, 13 का पेयर 77 के साथ बनेगा, पेयर ऐसे बनाया करो जे, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 होगा, बहुत सिंपल है, कहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भैया इसका पेयर किसके साथ बनेगा, मैं कैसे देखूं, सम देखो, इसका और इसका सम 90 हो रहा है, इसका और इसका सम 90 है, तो मैं इन दोनों को चेंज कर रहा हूं ओशियन, 13 को क्या लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा 90-53, चेंज हो गए अनुभव, 1045 की वैल्यू क्या लिखूंगा, इन दोनों को चेंज मत कीजिएगा, एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि हमने आगे के दो कन्वर्ट कर लिए हैं। अब cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा 70 और ये cos स्क्वायर 70 एक एक जाएगा, sec स्क्वायर 50 ओशियन और cot 90 माइनस थीटा 10 स्क्वायर 50 10 दोनों में से 2 अंदर तो sec स्क्वायर 58 माइनस एक स्टेप मैं डायरेक्ट कर लूं, ध्यान से देखना है, रुकेगा थोड़ी बहुत जल्दी है, 10 90 माइनस थीटा cot 58 cot 58 इनटू cot 58 डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे cot स्क्वायर 58 एक बार और बताऊं, बहुत ही बेहतरीन, क्या गलतियां करते हैं देख के हंसी भी आती है, गुस्सा भी आती है। 10-90-77 है, 10-90-थीटा क्या होता है cot थीटा, cot लिखते हैं बहुत सही, 90-77 13 लिख देते हैं यहाँ पे, आप तो नहीं लिखोगे सर, ये थीटा कंपेयर होके आता है, कई बार ऐसा होता है इसलिए बोल रहा हूँ, अभी इसका टेस्ट लेके देखना, पर बच्चे उड़ जाएंगे तुम्हारे तो, कितना cot, बस अभी बोली बोल रही हो, इसमें ये उसमें वो, वहां पे नहीं आ पाएगा कुछ भी, फिर हाँ फिर राहुल जगह बची है क्या नीचे, तो इसका मतलब क्या है, लिखना पड़ेगा, वेरी गुड, सीख क्या आया घर से, सीधे बैठ गए, करा तो दूं, उनको तो करा दूं, हाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 50 माइनस टेन स्क्वायर 50, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, अनुराग
ज्यादा हो रहा है, प्लस 2 का 2 रहेगा, कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट 77 क्या होता है, मेरे समझ में आ रहा है, कॉट 53 क्या होता है, इनटू 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये आपका 1053 हो जाएगा और 10 ये दोनों एज इट इज लिख दिए, कुछ नहीं वो मेहुल को नीचे अशक्तियां मिली थी।